ओंकार सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अधुनी शैव गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक नानक होसी भी सच ओंकार सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अधुनी शैव गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक नानक होसी भी सच ओंकार सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अधुनी शैव गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अधुनी शैव गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक नानक होसी भी सच ओंकार सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अधुनी शैव गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच
नानक होसे भी सच नानक नानक होसे भी सच ओंकार सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच नानक होसे भी सच नानक नानक होसे भी सच। नाम सदा सुखदाई मन को नाम सदा सुखदाई। पंचाली को
जेह नर जस लीलबा निध गायो तांतु तयो सहा। कहो नानक मैं यही भरोसे, कहो नानक मैं यही भरोसे, गहियान शरणाई, गहियान शरणाई। नाम सदा नहीं रे,
हर भगत बिना, हर भगत बिना जीत जन्म रतन अमोलक, जीत जन्म रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना, सुख ना ही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म यह रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एकदम क्लियर क्लियर गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे कि बिना भक्ति के सुख नहीं मिल सकता, बिना नाम जपे तो सुखी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक, कुछ भी कर ले, बिना नाम जपे तेरा मन सुखी नहीं हो सकता। पुखिया पुखना उतरी जे बन्ना पुरिया भार, चाहे तीनों लोगों के सुख, चाहे सारी पुरियों के सुख पदार्थ अपने आगे रख ले, तेरा मन सुखी नहीं होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जीत जन्म यह रतन अमोलक, इस मनुष्य देह को अनमोल रतन कहा है,
हर से बोलिए धन गुरु नानक। जीत जन्म ए रतन अमोलक, अनमोल रतन है ये मनुष्य देह जो बार बार नहीं मिलते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अनमोल रतन का है अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन गवाई सोए कहे, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने इस अनमोल रतन की कीमत कौड़ी भी नहीं डाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा कह रहे हैं जीत जाए इस बाजी को, ये तू खेल रहा है जीवन की बाजी। कैसे जीत? साध संगत जप एक खिना, पल पल खिन खिन साध संगत में बैठकर उसका लाभ उठा, हर पल लाभ उठा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और लाभ कैसे उठा? नाम जप। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जप ले, बिना नाम के तो सुखी नहीं हो सकता। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा संसार देख लिया, बिना नाम के कोई सुखी नहीं रह पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज एकदम क्लियर कट समझा रहे हैं सत्संग जी। सुख चाहिए नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना। क्या जप? वाहे गुरु बोलिए धन गुरु नानक। तुत संपत बनिता विनोद, छोड़ गए बहुत लोग भोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिवार धन पदार्थ तेरी सब जो कुछ भी तेरे पास है, जो दुनिया का मेला कहते हैं जिसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुत संपत बनिता विनोद, छोड़ गए बहुत लोग भोग। महापुरुष समझाया करते थे ये संसार मानो एक सोने की ईंट है, अरबों खरबों चाट चाट कर चले गए, ईंट उधर के उधर ही पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाट चाट कर चले गए मतलब हम जैसे त्रिशालु अपने नाम पर, अपने नाम पर जायदाद कर करके चले गए। जायदाद वहीं की वहीं है, नाम पेपरों में बदलते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी सोचता है कि मेरे नाम पर हो जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं छोड़ गए बहुत लोग भोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने आए भोग कर चले गए, कोई साथ नहीं ले गया, तू भी नहीं लेकर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या करें? कह रहे हैं कि जन्म की बाजी जीत जा। कैसे? जीत जनम रतन अमोलक, जीत जनम रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना।
सुख नाही दे, हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना से बोलिए धन गुरनाथ है। वर गैवर राज रंग, त्याग चलियो है मूड नंग। हर से बोलिए धन गुरनाथ है। वर गैवर राज रंग, बढ़िया घोड़े, बढ़िया हाथी, हुकूमत, सारा कुछ जो एक राजा के पास होता है। त्याग चलियो है मूड नंग, मूर्ख कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को मूर्ख कहा है क्योंकि सारा जन्म वो इकट्ठा करने में लगा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, अरे बोलिए धन गुरु नानक। सम्राट अशोक युद्ध पर युद्ध करते जा रहा है, फलाना राज्य भी जीत लू, फलाना राज्य भी जीत लू, मेरा राज्य और बड़ा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सम्राट अशोक तृष्णा नहीं बुझ रहे, ये सोच रहा है कि फलाना राज्य पे कब्जा कर लू, हमला कर देता है हर राज्य पे, फौज बड़ी है, ताकतवर है। हजारों लोग मरते हैं, लाखों लोग कटते हैं, इतनी विधवाएं, इतने बच्चे अनाथ, और उसकी लालच खत्म नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है एक दिन युद्ध करके सेना से थोड़ा बिछड़ गया, दूर हो गया, भटक गया रास्ता, देखा एक फकीर दूर कुएं में से पानी भर रहा है, प्यास लगी है, पानी पीने चला गया वहां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर ने दूर से देख लिया कि सम्राट अशोक आ रहा है, कमाई वाला फकीर था, थोड़े समय में सम्राट अशोक नजदीक पहुंच गया। कहने का मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। फकीर कहने लगा मैंने बाल्टी डाली है अंदर, खींचता हूं अभी ऊपर, पानी भर जाएगा, मैं तुझे पिला देता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाल्टी ऊपर खींची, बाल्टी में पानी ही नहीं, फिर से डाली, फिर से खींची, बाल्टी में पानी नहीं। तीन चार मर्तबा इस प्रकार हो गया। राजा दूर से खड़ा देख रहा है, सोच रहा है कि क्या बात है, पानी क्यों नहीं भर रहा बाल्टी में। पास में गया, देखा कि पांचवी बार बाल्टी ऊपर आई तो राजा ने खुद ही देखा बाल्टी को पकड़कर, तो बाल्टी का नीचे तला ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सम्राट अशोक हंस पड़ा, कहने लगा आप फिर पीर हो, फकीर हो, मुझे लगा बड़े ज्ञानवान हो, इतना भी समझ नहीं है, इस बाल्टी को तला नहीं है, पानी कैसे भरेगा बाल्टी में, नीचे बेस ही नहीं है, तला ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर कहने लगा फिर क्या हो गया, तला नहीं है तो मैं सारा दिन मेहनत करूंगा पर बाल्टी भरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सम्राट अशोक गंभीर हो गया, कहने लगा सारा दिन ही नहीं, सारा जीवन लगा रहा,
सारा जीवन लगे रहो, ये बाल्टी में पानी नहीं भर सकता क्योंकि इसमें तला नहीं। फकीर कहने लगा आप अंतर्यामी हो क्या, आपको कैसे पता बाल्टी नहीं भरेगी। राजा कहने लगा मैं अंतर्यामी नहीं हूं, बुद्धि से काम लो, जिस बाल्टी का तला नहीं है वो भर कैसे जाएगी। फकीर मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा राजन सम्राट अशोक मैं तुझे यही समझाने के लिए ये कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार जी इस बाल्टी का तला नहीं है ये बाल्टी भरेगी नहीं, तेरी तृष्णा का तला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी तृष्णा के नीचे संतोष का तला नहीं है। जब तक वो तला नहीं है, चाहे एक राज नहीं दो राज नहीं सारी धरती को जीत ले, तेरी तृष्णा नहीं भरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि तेरे पास संतोष ही नहीं है। हजारों लोग मर रहे हैं तेरी तृष्णा की वजह से, पर तेरी तृष्णा तृप्त हुई तूने कितने राज्य जीत लिए। चाहे सारी पृथ्वी को जीत लेगा ना, तब भी तेरी तृष्णा तृप्त नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर इतिहास में लिखा है कि सम्राट अशोक को ज्ञान हुआ कि अगर मैंने इतने राज्य जीत लिए, तकरीबन आधा इंडिया जीत लिया था उसने, तब भी मेरी तृष्णा नहीं भरी। अगर मैं सारा संसार भी जीत लूंगा कहां भर जाएगी, सिकंदर की भरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिकंदर ने क्या कहा था आखिरी वक्त में, कफन में से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दो ताकि दुनिया समझ जाए कि आधी दुनिया जीतने वाला सिकंदर, आधी आधा इंडिया नहीं आधी दुनिया जीतने वाला सिकंदर, जाते वक्त उसके हाथ खाली थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, है वर गै वर राज रंग त्याग चलियो है मूड नंग। मूर्ख क्यों कहा है यहाँ पर, जिन्होंने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजभाग ऐश्वर्य भोगने के लिए मनाही नहीं है, पर बिना नाम के जहर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना बोलिए धन गुरु। चोआ चंदन देह फूलिया, किसी का सुंदर शरीर है वो आईने के आगे खड़ा रहता है, लोग तारीफ करते हैं बहुत सुंदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने शरीर पर इत्र लगाता है, मान करता है कि मेरा इतना खूबसूरत शरीर है। चोआ चंदन देह फूलिया, अहंकार में रहता है अपनी खूबसूरती के अहंकार में। सो तन तारसंग रू लिया, घर से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये नहीं समझता कि शरीर आखिर मिट्टी में रुल जाना है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे कि आईने के अगर खड़ा है आगे तो ये विचार कर कि शरीर जिसने दिया उसका शुक्राना कर। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और अब ये विचार कर कि देख तो रहा है शरीर को, कौन देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव हर पहलू पे गुरु ध्यान आए, शुक्राना याद आए, हर चीज परवान है अगर वो याद रहे। जो चीज उसे भुला दे चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो परवान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चीज शुक्राने में ले आए, जो चीज नाम याद दिला दे,
वो हर चीज परवान है, हर पदार्थ परवान है, राज गद्दी तक परवान है राजे जनक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी गुजर रहे हैं कहीं से, देखते हैं कि एक जवान लड़का, उस जमाने में ना सत्संग, जो पुराने जमाने में, आपको शायद पता नहीं होगा, हिंदुस्तान में एक प्रचलित था कि हर धर्म का इंसान पगड़ी बांधता ही था। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे ना, पुराने आजादी के पहले के, हर एक के सर पे पगड़ी होती थी। पगड़ी सत्कार मान का होता, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पगड़ी पहनना एक बड़ा सत्कार योग माना जाता था। बड़े बड़े राजे महाराजे पगड़ी पहनते थे। जब जुल्म की हुकूमत हुई यहां पर हिंदुस्तान पर, जब मुगलों का राज रहा, उन्होंने हिंदुओं को पगड़ी बांधने से मना कर दिया कि पगड़ी कोई नहीं बांधेगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। पगड़ी केवल रुतबे वाले लोग बांधेंगे, भाव केवल मुगल, हिंदू नहीं। हिंदू को पगड़ी बांधने का अधिकार छीन लिया। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि मेरा सिख पगड़ी बांधेगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। पगड़ी से सरदार जी कहते हैं पहनने के बाद, उस वक्त उन लोगों ने पहनी थी जिनमें हिम्मत थी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात बीच में आ गई, और जो आज तक पहनते हैं मानो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचनों पर चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी गुजर रहे हैं, देखते हैं कि एक नौजवान जब भी गुजरते हैं आईने के आगे खड़ा होता है, पगड़ी ही संवारता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने एक बार रुक कर कहा, भाई इतना समय तू आईने के आगे गवा देता है पगड़ी बांध बांध, बैठ कर नाम जपा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सुना अनसुना कर देता और पगड़ी ही संवारता रहता। काफी समय बीत गया, कबीर जी गुजर रहे हैं, देखा एक खोपड़ी है, कौए उस पे अपनी चोंच को सवार रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसानी खोपड़ी, कौए अपनी चोंच साफ कर रहे हैं उस खोपड़ी में घिस घिस कर। कबीर जी अंतर ध्यान हुए क्योंकि पूर्ण महापुरुष थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिव्य दृष्टि से देखा कि ये उसी जवान लड़के का सर है जो हमेशा पगड़ी सवारता रहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहां पर कबीर जी ने पंक्तियां उच्चारण की जो वाणी में दर्ज है। क्या उच्चारण किया, श्रवण कीजिए। जय है सिर रच रच बांधत पाग, जह सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग, सो सिर चुंच सवार है काग, सो सिर चुंच सवार है काग। इसीलिए कहा, इसीलिए पगड़ी बांधने से मना नहीं किया, पगड़ी सवारने से भी मना नहीं किया। जरूरत से ज्यादा वक्त लगाना किसी चीज पर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज पर वक्त जाया करना, महापुरुषों के साथ दास रहा है ना, एक बार में जैसी पगड़ी बंध गई बंध गई, दूसरी बार खोल कर नहीं बांधी कभी उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आईना देखते हुए तो मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो फर्क होता है महापुरुषों में और हम में। उनका एक ही लक्ष्य होता है, गुरु को भा जाए बस। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लक्ष्य होता है दुनिया को भा जाए। यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे, चोआ चंदन दे फूलिया, सो तन धर संग रूलिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना,
सुख नाही रे। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। बोलिए धन गुरु। मोह मोहया जाने दूर है, हमारा मन मोह में फंसा हुआ है, इसीलिए हमें यह प्रतीत होता है परमात्मा बहुत दूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह परिवार का मोह, रिश्तेदारों का मोह, पदार्थों का मोह, ये मोह का पर्दा आंखों पर पड़ा होता है, हमें लगता है परमात्मा दूर है। मोह मोहया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं वो तो तेरे भीतर ही बैठा है, तेरे साथ रहता है, दूर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका क्या भाव है, बड़ी ध्यान से सोचेंगे ना साथ संगत जी। हम सब के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम सब के ऊपर हर दृश्य रिकॉर्ड हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जब मौत होती है ना, धर्मराज के सामने जब हिसाब होता है तो पूछा नहीं जाता, बताया जाता है। जिस प्रकार से एक फिल्म चलती है ना पर्दे पर, उस प्रकार से सारी रिकॉर्डिंग आंखों के सामने चलाई जाती है तुम्हारे सामने कि तुमने क्या क्या किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त शर्म से तेरी आंखें झुक जाएंगी। अगर तो जपा होगा नाम, ये रिकॉर्डिंग चलाने का समय ही नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी पूर्ण साधु की संगत की होगी, जपा होगा नाम, सत्संगत किया होगा, माफी मिल जाती है अपने कुछ गुनाहों की, फिर से मौका मिल जाता है। अगर गुनाहों को त्याग करके संगत की होगी, ज्ञान लेकर संगत मिल गई, अब गुनाह छूट गए, अब केवल निर्मल जीवन है, तो हिसाब किताब ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तो धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा, गुरु नानक पाशा कह देते ये मेरा है, कागज ही फाड़ देता है, हिसाब किताब की डायरी फाड़ देता है धर्मराज, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस उसके बन जाए ना, तब गुरु नानक पाशा कहेंगे ना ये मेरा है। जिसका नित्यनेम पक्का बाबा नंद सिंह जी के वचन, जिसका अमृत वेला पक्का, गुरु नानक पाशा कहेंगे ये मेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक को प्रेफरेंस देगा, गुरु नानक पाशा कहेंगे ये मेरा है। जो मूल मंत्र का नियम निभाए, अमृत वेले सुखमणि साहिब जी का, जपजी साहिब जी का पाठ करे, यहाँ पर स्टैंप लग जाएगी जप निशान की, गुरु नानक पाशा कहेंगे ये मेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे लाज रखनी पड़ेगी अपने नाम की, अपनी वाणी की। इसी प्रकार उसके बन जाए, इसीलिए तो ये सत्संग कर रहे हैं, उसे बनने का ढंग आ जाए, उसका बनने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर ज्ञान ये है, सुख नाही रे हर भगत बिना। इस सृष्टि में बिना भक्ति के, बिना नाम जपे, किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। अगर तू परमानेंट सुख चाहता है, परमानेंट सुख क्यों कहा है, क्योंकि हमारे सुख का एड्रेस बदलता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके माता ही उसके लिए सब कुछ है, माँ की गोद ही उसके लिए सुख है, माता गोद से उतारे रोने लग जाता है। अब सुख क्या है, माता की गोद। समा बीता बड़ा हुआ, अब खिलौने अच्छे लगते हैं, माता की गोद नहीं।
अब खिलौने छीनो तो रोता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा हुआ अब बीवी अच्छी लगती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब माता पिता भी नहीं चाहिए, खिलौने भी नहीं चाहिए, सुख का एड्रेस बदलता जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में सुख सामान में नहीं, सुख मन की अवस्था है। इसलिए तो वाणी में कहा है सुख दुख इस मन की बिरथा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी कहानी है, सारी कहानी का सार ये है कि अगर परमानेंट सुख चाहिए कि कभी खत्म ही ना हो वो सुख, तो क्या कर। अच्छा कहते हैं अविनाशी ना विनाश होने वाला खेम खुशी, सदैव खुशी चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, तो क्या कर सदा हमेशा सिमर नारायण नाम जप, उस नारायण का, उस वाहेगुरु का, उस अल्लाह का, उस राम का, उस इको ओंकार का, नारायण नारायण नारायण। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके ना तेरा इंसान, भटके ना तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना। जी भा
आगे और दौड़े हम, जिंदा है जब तक जीना ना छोड़े हम, और कभी जो लगे रौनके खो गई, भेजना पेड़ों पे पत्तियां तू नहीं, सुनसान डालियों पे, सुनसान डालियों पे परिंदे उतार देना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल ले।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
नमः जय गुरु जी की। ¡Gracias!